हेलो नमस्कार एवरीवन, आप कैसे आ सका तो ठीक हूँ। सो गाइस वीडियो बना रहे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरा नाम किरसन है, आप देख रहे हैं किरसन ऑफिशियल चैनल को। तो सो गाइस वीडियो पर बना रहे, वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। मैं आप लोगों को चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊँगा फ्रेंड, जो कि 8 अप्रैल को लगने वाला है फ्रेंड, उसके बारे में बताऊँगा फ्रेंड। और बताऊंगा आप लोगों को कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड। इस वीडियो बनाए रहें। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है फ्रेंड, तब सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति को फ्रेंड सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण एक खगोलिक घटना है, ज्योतिष शास्त्र में इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है फ्रेंड, जो कि सूर्य ग्रहण एक अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ता है। कहा जा रहा है कि यानी 2024 में अप्रैल में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, और यह एक सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा फ्रेंड, जो कि लोगों का कहना है कि यह सूर्य ग्रहण कितनी तरह का होता है जानिए। चलिए जानते हैं यह सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। यह ग्रहण रात को 9:12 शुरू होगा और आधी रात को 1:15 तक खत्म होगा, यानी इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी। इस ग्रहण को सूर्य ग्रहण यानी खाग्रास ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण कितने समय, जब सूर्य चंद्रमा और धरती के बीच ऐसी सिचुएशन आती है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य और धरती के बीच आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सूर्य की बजाय केवल चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस धरती पर अंधेरा छा जाता है। इस ग्रहण की सिचुएशन खास यानी सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो क्या होता है आंशिक सूर्य ग्रहण फ्रेंड, तो इसके बारे में आपको बताता है आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में की पूरी तरह नहीं आता, इसमें चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे हिस्से से कवर नहीं करती और इस धरती का हिस्सा चंद्रमा की परछाई से ढक जाता है, और इस स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर कहीं अंधेरा होता है और कहीं हिस्सों में अंधेरा नहीं होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा धरती से काफ़ी दूर होता है, और इस दौरान वो सूर्य के आगे आ जाता है। इस दौरान धरती पर सूर्य के बीच तरह आता है कि रिंग ऑफ फायर जैसे प्रतीत होता है। चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, इसलिए इस दौरान सूर्य की बाहरी परत पर एक रिंग की तरह दिखाई देता है। यह दी गई जानकारी मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है फ्रेंड। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था आपको फ्रेंड, जो कि 8 अप्रैल को लगने वाला है, 2024 का फर्स्ट चंद्र ग्रहण है फ्रेंड। ये 9:12 पर लगेगा फ्रेंड, और ये 1:15 पर ख़त्म होगा फ्रेंड। इस सूर्य ग्रहण के कुल समय 4 घंटे 25 मिनट का है फ्रेंड। तो इस सूर्य ग्रहण में फ्रेंड आपको बहुत सावधानियां रखनी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड। बहुत ढेर सारी जानकारी मैं इसे आपको लोगों के लिए लाता रहता हूँ फ्रेंड। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे हर वीडियो का। तो नमस्कार एवरीवन, गुड बाय।